सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली इन दिनों अलग अलग कारणों से सुर्खियों में छाई हुई है। कभी कास्ट की वजह से तो कभी इस पर कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है। दरअसल मामला ये है, बताया जा रहा है कि फरहाद सामजी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में सलमान खान इसके गोस्ट डायरेक्टर बन गए, यानी उनका नाम नहीं होगा लेकिन वो ही फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। पता चला ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फरहाद ने जो शूट किया था वो सलमान और प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया। हालांकि इसके बाद सलमान खान की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और बताया कि सलमान खान घोस्ट डायरेक्टर नहीं है। बॉलीवुड लाइव को एक सोर्स ने फिल्म के बारे में बताया कि सामजी को बहुत समय से सेट पर नहीं आए थे और ना ही उनकी तरफ से कोई सेट पर आया था और फिर फिल्म पर काम बंद हो गया, लेकिन दोबारा भी जब काम शुरू हुआ तो उसमें फरहाद सामजी नहीं थे। उसी सोर्स से जब पूछा गया कि क्या अब फिल्म से फरहाद सामजी का नाम हटा दिया जाएगा, इस पर सोर्स ने कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि फरहाद का नाम एक बार फिल्म से जुड़ चुका है और अगर उन्हें हटाया जाता है तो इसमें गलत संदेश जाएगा। अब फरहाद फिल्म के साथ कंसल्टेंट के तौर पर जुड़े हुए हैं। ये फिल्म इस साल के अंत में सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर रिलीज होगी।